हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार एयर पंप। इस एयर पंप का यूज़ हम बाइक, साइकिल आदि में हवा भरने और फिश टैंक एक्वेरियम में भी काम में ले सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ों में हम इस एयर पंप का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस एयर पंप को हम किस तरह से आज के इस वीडियो में बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस एयर पंप को बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर एक सिरिंज, जो कि मैंने यहाँ पर 60 ml लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवा का प्रेशर काफ़ी तेज़ हो इसलिए मैंने बड़ा वाला ये सिरिंज लिया है। और यहाँ पर मैंने एक वेस्टेज पेन की रिफ़िल ली है, जिसको मैं यहाँ पर कट कर लिया हूँ इस तरह से, जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से हमें काम में लेना है। और यहाँ पर लेंगे हम दो वाल्व, जो कि साइकिल के हैं। ये आपको साइकिल पंचर की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। बट इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे भी पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ मोतीलाल ओसवाल प्लेटफॉर्म, और मोतीलाल ओसवाल वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है इंडिया में से, जहाँ पर उनको मोर देन 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मोर देन 16 लाख+ कस्टमर इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर 0 मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स आपको सबमिट करने हैं। और जैसे ही आपका यहाँ डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये लोग आपको स्टॉक एडवाइजर प्रोवाइड करेंगे, जो आपको सजेस्ट करेगा कि कौन से स्टॉक आपको परचेज करने चाहिए या फिर कौन से स्टॉक आपको सेल आउट करने चाहिए। और प्लस आपको वेलकम बास्केट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो रहेगा वर्थ 25,000 रुपीज का, जहाँ पर आपको इसके AI बेस्ड टूल्स देखने को मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप स्टॉक परचेज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर 3,000 रुपीज के डिस्काउंट कूपन ये लोग प्रोवाइड करेंगे और ₹1,000 का ब्रोकरेज कैश बैक भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ जाइए और ओपन कीजिए अपना डीमैट अकाउंट। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने सिरिंज ली थी उसके यहाँ पर हम इस तरह से छेद करेंगे सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, या आप चाहे तो किसी और चीज़ के द्वारा भी कर सकते हैं। और जो ये वाल्व है, इसको इसी तरह से यहाँ पर लगाना है, पहले नंबर वाले वाल्व को, और जो दूसरा नंबर वाला वाल्व है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर निडल लगती है। तो हम इसे कट कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम आयरन के द्वारा इस छेद को और चौड़ा कर देंगे थोड़ा, ताकि जो दूसरा वाला वाल्व है उसको भी हम यहाँ लगा सके। ठीक है, तो अब की बार हम इस वाल्व को उल्टा लगाएंगे इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हर एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप ये एयर पंप बिल्कुल आसानी से बना सके। अब हम लेंगे यहाँ पर एरल डाइट, यहाँ पर इसकी 2 ट्यूब आती है, और इसको हमें बराबर बराबर मात्रा में इस तरह से मिलाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो वाल्व हम इस सिरिंज के अंदर लगाने वाले हैं, उनको हम इस एरल डाइट के द्वारा बिल्कुल इजीली इस तरह से चिपका देंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये वाल्व एरल डाइट के द्वारा चिपका दिए हैं, और जो हमने वेस्टेज पेन की रिफिल ली थी उसको चिपकाएंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिफ़िल और वाल्व हमने चिपकाए थे, वो सूखने के बाद में इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चिपक गए हैं। अब जो ये रबड़ का सा आप देख रहे हो सिरिंज का, इसको हम चारों तरफ से इस तरह से कट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा अंदर की साइड से। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, ताकि इसके अंदर जो तनाव है वो कम हो सके और प्रेशर अच्छे से बन सके। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर साइकिल के रिम की 2 स्पोक्स लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इनमें से एक स्पोक्स को हम इस तरह से मोड़ेंगे दूसरी स्पोक्स की मदद से।
अब हम यहाँ पर एक गियर मोटर लेंगे जो कि 300 RPM की है और ये गियर मोटर बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो ये ताड़ी है इसको हम मोड़ेंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ पर हम इस स्पॉक्स को ताड़ी बोलते हैं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग बोले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं स्पॉक्स को। तो यहाँ पर हमने ताड़ी को इस तरह से मोड़ लिया है और यहाँ से कर देंगे इसको कट। अब जो स्पॉक्स के साथ ये निप्पल्स आई है उनको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर ये जो स्पॉक्स हमने इस तरह से घुमाई है स्प्रिंग की तरह, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और वापस से हम एक और निप्पल इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। अब इन निप्पल्स को हम फेविक्विक या इंस्टेंट ग्लू के द्वारा आसानी से चिपका देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बना लिया है। अब इसको जो मोटर की शाफ्ट है उसके अंदर इस तरह से पिरोएंगे और फिर वापस से उसको आप निप्पल के द्वारा कस सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास निप्पल नहीं थी तो यहाँ पर मैं ये नट ले रहा हूँ इस तरह का, और आप भी अपने अनुसार दूसरा नट ले सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लेना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एरल डाइट या फिर किसी भी इंस्टेंट ग्लू के द्वारा आसानी से वैसे ही चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको इस तरह से चिपका दिया है और यहाँ पर भी हम कोई भी निप्पल या नट आसानी से लगा देंगे। अब हम यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, और वैसे यहाँ पर मैंने एक MDF बोर्ड का टुकड़ा लिया है जो कि 9 mm का है और इसकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई 7 इंच है, लेकिन आप इसकी जगह कोई लकड़ी का टुकड़ा ही लीजिएगा जिसकी मोटाई 0.25 इंच से 1 इंच हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो लकड़ी के टुकड़े लिए हैं, लेकिन ये जो टुकड़े हैं इसको मैं MDF बोर्ड के ऊपर चिपकाने वाला हूँ, तो इन लकड़ी के गुटकों को हम इंस्टेंट ग्लू या फेविक्विक के द्वारा आसानी से चिपका लेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम मोटर को लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने इस मोटर के लिए एक चद्दर की क्लिप बना ली है और एक खराब ट्यूब का रबड़ का टुकड़ा लेंगे जिसको मैं क्लिप के नीचे इस तरह से लगाऊंगा ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर टाइट हो जाए, और यहाँ पर ये जो बड़ा वाला लकड़ी का टुकड़ा है इसको मैं यहाँ पर इस तरह से चिपका लूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से नाप जोक कर लिया है, तो आप भी अपने अनुसार नाप जोक कर लीजिएगा कि जब ये गियर मोटर चलेगी तो ये जो पिस्टल है ये किस तरह से कितना अंदर जाएगा और कितना बाहर निकलेगा, तो ये सब चीज आप नाप जोक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने मोटर को हाथ से घुमा के ऑलरेडी चेक कर लिया था, और वैसे ये मोटर हाथ से घुमाने पर बहुत ही भारी चलती है और ये मोटर इतनी पावरफुल आती है कि एक बार चलने के बाद आप इसे हाथ से रोक नहीं सकते। और फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंस्टेंट ग्लू लगा दिया है मोटर और सिरिंज के, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने इनको सेट कर दिया है। अब जो मोटर है मोटर के ऊपर मैं रेड और ब्लैक वायर लगा रहा हूँ, यहाँ पर वैसे मैं पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं देख रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ही सोल्डरिंग करूंगा इन वायरों की, क्योंकि हमें जो पिस्टन है उसको आगे पीछे करवाना है, तो आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो मोटर है उल्टी सीधी दोनों तरफ घूमने वाली है। अब हम यहाँ पर एक स्विच और एक DC कनेक्टर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फीमेल कनेक्टर है और इसको हम एक स्विच के द्वारा कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक हीटसिंक स्लीव ले ली है, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्विच और वायरिंग को ग्लू स्टिक के द्वारा चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा एयर पंप बनके तैयार है। अब इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर मैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर ले रहा हूँ, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने चार्जर को लगा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बैलून ले लिया हूँ और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है, और अब करेंगे स्विच को ऑन। यहाँ पर मैं गुब्बारे को अच्छे से नहीं लगा पा रहा, इसलिए हवा मेरे हाथ के पास से भी पास हो रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बैलून के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से हवा भर गई है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक एयर पंप वाली पाइप लेंगे, और ये पाइप आपको साइकिल की दुकान पे मिल जाएगी, जहाँ पर एयर पंप और नई साइकिलें सेल होती है वहाँ पर बिल्कुल आसानी से आपको ये पाइप मिल जाएगी 20 से 30 रुपए के अंदर वो लोग आपको देंगे। तो
इस पाइप को हम उस वाल्व पर लगाएंगे जहाँ से हवा बाहर निकलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस पाइप को ग्लू स्टिक के द्वारा बिल्कुल आसानी से चिपका देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बार इसकी हवा चेक करवाता हूँ कि इस पंप से जो हवा बाहर निकलती है उसकी साउंड किस तरह से आ रही है। तो चलिए एक बार हम फिर से बैलून के अंदर हवा भर के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैलून है उसकी आकृति बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ रही है। तो हमारा ये जो एयर पंप है ये बहुत ही पावरफुल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मोटर के पास से ताड़ी मुड़ गई है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने सूखने से पहले ही आपको चेक करवा दिया जल्दबाजी में, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो आप यहाँ पर इन्हें अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। तो यार, आप इसी तरीके से इस पावरफुल एयर पंप के द्वारा बाइक और साइकिल में भी हवा भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फिश टैंक एक्वेरियम में किस तरह से काम करेगा, यहाँ पर मैंने एक जग के अंदर पानी भर लिया है और अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये एमडीए बोर्ड मत लीजिएगा, इसकी जगह आपको 1 इंच से 1 इंच मोटा लकड़ी का बोर्ड रहना है, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था। क्योंकि एमडीए बोर्ड इस पावरफुल एयर पंप के सामने बहुत ही कमजोर है, क्योंकि वो ऊपर नीचे खुद ही मुड़ रहा है, जबकि मैंने ये एमडीए बोर्ड 9mm का लिया था। और फिश टैंक एक्वेरियम के लिए आप ये वाली पाइप यूज में ले सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो यार फ्रेंड्स, आपको ये एयर पंप कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।